a very latest episode of the Perfect Health Show with Dr. Dietitian Sheenu Sanjeev. एक नया दिन, एक नई शुरुआत और एक नया टॉपिक. जैसा कि हमारी अभी तक की जो जर्नी रही है, हमने बात करी है लोगों की हेल्थ के बारे में, लोगों के हार्ट के बारे में, और हमने बात करी है लोगों के खान पान के बारे में भी. आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जी हाँ, वो टॉपिक ऐसा है जिसपे ना जाने कितने गाने लिखे गए हैं, ना जाने कितनी शायरियाँ लिखी गई हैं, और महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वेल, ज़्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करते हुए हम बताते हैं कि आज हम हेयर, लाइक जुल्फ़ों और बालों के बारे में बात करने वाले हैं. डॉक्टर डाइटिशियन शीनु हमारे साथ में हैं, पूरे एपिसोड, पूरी जर्नी में हमारे साथ रहने वाली हैं. और आज मुझे ऐसा लगता है कि इस एपिसोड के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि हम महिलाएं ऐसी होती हैं कि हमें अपने बालों से बहुत प्यार होता है, पुरुषों को भी होता है, पर हाँ एग्जैक्टली. आजकल पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बाल जा रहे हैं, एलोपेशिया हो रहा है, जिसे हम गंजापन कहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो या मतलब ये बहुत ही टची है चीज़ें, ये बहुत हार्ड टची टॉपिक है इस बार. डॉक्टर शीनु, स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है बालों का, क्या क्या टेक्सचर होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, इससे स्टार्ट करते हैं. हेयर हमारे प्रोटीन फिलामेंट ही हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं, जो हमारी स्किन की लेयर जो होती है डर्मिस, उसके फॉलिकल से आते हैं और डर्मिस एपिडर्मिस से निकलते हैं. तो डर्मिस इज़ द इनर साइड ऑफ द स्किन, इनर लेयर ऑफ द स्किन, एंड एपिडर्मिस इज़ द अपर लेयर ऑफ द स्किन. तो वहाँ से ये फिलामेंट है जो प्रोटीन से बना हुआ है और आपको ब्यूटी देता है. हाँ, मतलब ये ब्यूटी का एक वो हो ही गया है, बहुत बड़ी चीज़ है. आज हम शीनु हेयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो हेयर रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं. जैसे कि मैं पहले मैं महिला कह रही थी, बट यस यू आर राइट कि पुरुषों में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जल्दी ग्रेइश होना, जल्दी हेयर फॉल, बहुत ज़्यादा बॉल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा लोग. तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार हम ये टॉपिक यूज़ करेंगे. ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ हेयर, हम हेयर की लाइफ को कितना देख सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में. हेयर की जो लाइफ होती है वो 2 to 7 ईयर्स की लाइफ होती है, और उसके बाद 10 डेज की लाइफ होती है जिसमें रीग्रो करते हैं, आपके जो पुराने हेयर होते हैं वो आपके निकलते हैं, एंड अगेन नेक्स्ट 10 डेज में वो आपके रीग्रो करते हैं. तो इस तरह से आपके पुराने बाल हटते हैं और नए बाल आते हैं, जिसके लिए आपको कई बार ऐसा होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झट रहे हैं, पर साइंस ये कहती है कि अराउंड 50 to 150 स्ट्रैंड्स अगर आपके बालों के निकल रहे हैं तो इट्स फाइन. अगर वो रेगुलर हो रहे हैं, बीच बीच में होते जा रहे हैं, और नए ग्रो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. okay. उसके साथ साथ तो एक अगर हम हेयर की बात करें तो 2 to 7 ईयर्स की लाइफ होती है. 2 to 7 ईयर्स की एक हेयर की लाइफ होती है. ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर न्यूट्रिशन लेते रहना चाहिए, सो दैट हमारी जो हेयर की ग्रोथ है या जो हेल्दी हेयर है वो बने रहे. राइट, ओके. हम वेदर की अगर बात करें, मतलब नॉर्मली माई मदर हैज़ दिस इशू, मैं बोलती हूँ उनको इशू है, बिकॉज जैसे कुछ भी होता है कि मम्मा बाल झड़ रहे हैं या मम्मा बाल में प्रॉब्लम है, मौसम ख़राब है, कोई भी मौसम होता है उनके पास यही होता है मौसम ख़राब है. मौसम का बालों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? क्लाइमेट का, मौसम का, हमारे हर चीज़ पे असर पड़ता है, और ऑब्वियसली क्योंकि बाल, फेस, स्किन, जो पोर्शन हमारा डायरेक्ट उसके सामने आ रहा है, डायरेक्ट आपको विंड का सामना करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आपको सन रेस का सामना करना पड़ रहा है, रेनी सीजन्स में आपके बाल गीले हो रहे हैं, या जो रेनी और वैसा स्वेटिंग वाला पीरियड होता है उसमें आपको स्वेटिंग हो रही है, तो डायरेक्ट ऑब्वियसली क्लाइमेट का फ़र्क होता है, उससे आपके चेंजेस होते हैं. पर आपका टेक्सचर कैसा है, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, वो भी बहुत डिपेंड करता है साथ साथ में. और इन वेदर्स में हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली अगर सनी है, बहुत ज़्यादा हीट है, तो आप उसे कैप से कवर करें, स्कार्फ से कवर करें, क्योंकि डायरेक्ट आपको अल्ट्रावायलेट रेज अगर आ रही है, यूवीबी अगर आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है आपके हेयर के लिए, वो डैमेज करती है, फ्रीजी करती है आपके बालों को. और अगर विंड है तो विंड अगर डायरेक्ट आपके हेयर में लग रही है तो ड्राई करती है आपके हेयर को. और रेनी सीजन्स में ऑब्वियसली
रेगुलर अगर आप गीले हो रहे हो, मोस्टली आजकल सभी लोग कवर कर लेते हैं रेनी सीजन में, हमारे दिल्ली में ये कम प्रॉब्लम है, अदरवाइज अदर एरियाज में तो बहुत रेन्स हैं, हाँ मोस्टली कवर करते हैं, अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी मदर कहती हैं कि हाँ मौसम ऐसा है इसलिए, पर मौसम के अनुसार हमको भी चेंजेस करने पड़ते हैं, अपने हेयर का ध्यान रखना होता है पहली चीज़ कवर करके, और अदरवाइज रेगुलर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके। ओके, न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, क्या खाना चाहिए? लोगों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है तो क्या खाना चाहिए? जैसे हमने शुरुआत की कि बाल किससे बने हैं, बाल हमारे प्रोटीन फिलामेंट है, यानी प्रोटीन मेन है उसमें, और प्रोटीन जो होता है वो जिस चीज़ों से आता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने में हमें क्या क्या खाना चाहिए, जनरल है हमें जिन जिन चीज़ों में प्रोटीन है, अगर आप एग खा सकते हैं तो एग ज़रूर लें, अदरवाइज आपकी कुछ सब्जियों में जैसे कैरेट में, बीट रूट में, इनमें प्रोटीन है। उसके साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, वो भी आपके हेयर को हेल्दी रखता है। और आपका अगर स्कैल्प में, आपके स्किन में ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपके हेयर भी हेल्दी होंगे। तो हीमोग्लोबिन अगर आपका अच्छा, हीमोग्लोबिन में अगेन हीम प्लस ग्लोबिन यानी आयरन प्लस प्रोटीन आता है। तो वो सब चीज़ें जो आयरन रिच है वो लेनी है, और अगर आयरन हम ले रहे हैं कहीं से भी प्रोक्योर कर रहे हैं वो एनिमल आयरन नहीं है तो नो डाउट उसका एब्जॉर्प्शन ईजिली नहीं होता है, तो उसमें हमको विटामिन सी लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम कहते हैं आंवला खाएं, बीट रूट लें, कैरेट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, और अगर आप एग एंड फिश लेते हैं तो वो ज़रूर लें, आप अगर आप वो नहीं लेते हैं तो बहुत से डिफरेंट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन हैं हमारे वेजिटेबल्स में, वेजिटेरियन लोगों के लिए सोयाबीन ले सकते हैं आप, पीनट्स लें, नट्स लें, तो ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलर हैबिट्स में रखेंगे तो नो डाउट आपके बाल हेल्दी रहेंगे। ओके, मतलब खाना अच्छा चाहिए बालों के लिए, राइट? क्योंकि ये एक मिथ है कि अगर हम ऊपर से हेयर ऑयल अच्छा लगा रहे हैं, ये शैम्पू अच्छा कर रहे हैं और खा नहीं रहे हैं, ये रेगुलर कोई ना कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे हेयर अच्छे रहेंगे। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपका बॉडी का हर पार्ट हेल्दी रहेगा, एज वेल एज आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे। ये अभी प्रोडक्ट्स की बात की, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था। डॉक्टर शिनू, जो प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, हर रोज़ एक नया ऑयल लॉन्च हो जाता है, एक नया शैम्पू, इनफैक्ट जो शैम्पू की कंपनीज है वो अपने आप में अपने प्रोडक्ट्स के साथ में ही कंपटीशन करते रहते हैं कि exactly. अभी एक महीने पहले उन्होंने एक शैम्पू लॉन्च किया था, नेक्स्ट मंथ मैंने उससे बेटर शैम्पू लॉन्च करा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हेयर ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल है या जो हेयर शैम्पूज, जो भी हेयर कंडीशनर चीज़ें जो भी है, वट एवर, सो ये हमारे हेयर को कितना एक्चुअली कितना प्रोटेक्ट कर रही हैं इस बाहर के वेदर से, क्लाइमेट से, और क्या हर महीने ये जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि आज हम किसी सैलून जाते हैं वो हमें कुछ और बताते हैं, दूसरे सैलून वाला कोई और बताता है, नानी मम्मी के नुस्खे अलग हैं, वॉट यू सजेस्ट? जैसे आपने अपने आप में ही बोल दिया कि नानी मम्मी के, नानी दादी के नुस्खे वो बहुत अच्छे हैं अगर हम हेयर की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन है, अगर आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो आपके हेयर हेल्दी हैं। अप्लाई में अगर ऑयल की बात करते हैं तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, अगर मौसम गर्म है तो जैसे कोकोनट ऑयल है वो ठंडा रखता है तो उसको हमें अप्लाई करना चाहिए, अगर मौसम ठंडा है तो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल है जिसको हल्का वार्म करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं और हेल्दी ऑयल्स हैं और सब बालों में सूट भी करते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई स्किन इश्यूज़ हैं तो फिर उनको ध्यान रखना होता है कि हम मस्टर्ड ऑयल उन्हें यूज़ करने दें या नहीं करने दें, पर ऑलिव ऑयल मोस्टली सबको सूट करता है ठंड में। ओके, एंड व्हाट अबाउट शैम्पूज एंड जो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अगर हम लेने जाते हैं तो दे आर लाइक सीरम, देर इज़ दिस हेयर कलर शैम्पू, देर इज़ दिस डैंड्रफ शैम्पू, मतलब शैम्पूज के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, प्लस कंडीशनर्स आ गए हैं, प्लस आफ्टर सीरम, एंड व्हाट इज़ दिस ड्राई शैम्पू एंड हाउ डज इट वर्क? देखिए, हमारे बाल के टेक्सचर सबके डिफरेंट होते हैं, हम वहाँ से शुरू करते हैं। ओके, किसी के और टेक्सचर डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ आर हेयर।
जो एक स्ट्रिंग हेयर की है उसका डायमीटर कैसा है उस पर टेक्सचर डिपेंड करता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का कर्ली होता है, किसी का वेवी होता है। इसके अकॉर्डिंगली हमारे कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना ड्राई शैम्पू हैं, ये सब ये चीज़ें चेंज होती है अगर हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपके ड्राई हेयर हैं ये थोड़े से डायमीटर ज़्यादा है उसका, ये फ्रीजी की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनका ध्यान नहीं रखा है हॉट वेदर में या विंडी सीजन में, तो टूवर्ड्स फ्रीजी जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मार्केट में कई तरह के शैम्पूज एज वेल एज और दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डेंड्रफ शैम्पू भी आ गया, पर ये सब चीज़ें हम इजीली घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करें तो उससे क्योर कर सकते हैं। आपके उसके लिए सबसे पहले देखना है आपके स्कैल्प का टेक्सचर कैसा है एज वेल एज आपका हेयर का टेक्सचर कैसा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कैल्प ड्राई है तो आपके हेयर भी ड्राई हैं, या आपके हेयर ड्राई हैं और ऑयली है और स्कैल्प भी ऑयली है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो क्या चीज़ हमें हेयर में अप्लाई करनी है और क्या चीज़ हमें स्कैल्प में अप्लाई करनी है, ये डिफरेंट हो सकती है। और जैसे दही है, लेमन है, एग है, ये सब चीज़ें एज ए कंडीशनर एज वेल एज ए ड्राइनेस को ख़त्म करती हैं आपके स्कैल्प से, आपके हेयर से, और फिर वो चेंज हो जाता है आपका वे किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं आपका, अगर टेक्सचर डिफरेंट है तो। और जैसे आपने सीरम की बात की, क्योंकि लोग कलर्स कर ही रहे हैं, ज़रूरत है या नहीं है, हम लोग कई बार अपने फैशन के लिए डिफरेंट कलर्स कराते हैं तो वो थोड़े फ्रीजी हो जाते हैं, हेयर ड्राई हो जाते हैं, तो उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आजकल सीरम का प्रचलन है। बुरा नहीं है अगर उसमें केमिकल्स नहीं है तो, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, पर लाइफ इतनी फास्ट जा रही है, इतने लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान दें कि हाँ न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, देन हम अपना जो शौक है उसको पूरा कर सकते हैं कि कलर्स डिफरेंट कराना, स्ट्रीक्स कराना, पर अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं और केमिकल फ्री प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में, उसको जितना देखें कि केमिकल फ्री हैं तो हेयर को नुकसान नहीं करेंगे वो। ओके, हेयर टेक्सचर की बात की थी आपने, तो किसी के कर्ली होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या होता है? बिकॉज मैं भी बड़ा परेशान रहती हूँ अपने बालों से। एग्जैक्टली इसका सिंपल है कि आपके डीएनए में कैसे आ रहे हैं। ओके, मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के ऐसे हैं तो हमारे ऐसे ही, हमारी दादी के नानी के ऐसे रहे हुए हैं, या जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के या पेरेंट्स के, तो मोस्टली वही कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे हमको या हमारे बच्चों को ये मिलते हैं। तो मेनली डीएनए और जीन से ही हमारा टेक्सचर होता है, देन हम उसका कैसा ध्यान रख रहे हैं उससे थोड़ा होता है। कि ड्राइनेस या फ्रीजीनेस हमारे ध्यान पे डिपेंड करती है कि हम उनकी कितनी केयर कर रहे हैं, अदरवाइज हमारा जो मेन टेक्सचर होता है वो हमें हमारे डीएनए से मिलता है। ओके ओके डॉक्टर, सो ये तो हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो गई है, हम जान लेते हैं कि ऑडियंस के पास में क्या क्या सवाल हैं बालों को लेके, तो पहले हम उनसे बात करते हैं फिर हम आगे की बात करते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव इन देयर खजाना। मेरा नाम अदीबा है। हाय डॉक्टर शीनू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मार्केट में बालों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पर उन पर कैसे यकीन किया जाए? यस, दिस इज़ अ वेरी टिपिकल थिंग कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं मार्केट प्रोडक्ट्स पे। आजकल वही एडवर्टीजमेंट हर चीज़ का है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली पहले ये देखना है कि इट्स सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड है, जो भी प्रोडक्ट है वो कहाँ से आ रहा है, कंपनी कौन सी, अगर अच्छी कंपनी है, और दूसरी चीज़ आपके बाल को सूट करता है, आपके बाल का टेक्सचर कैसा है, क्या जैसे हमने पहले बातें की कि हमको टेक्सचर के अकॉर्डिंगली हमको वो लेना है, प्रोडक्ट्स लेने हैं, ये घर की चीज़ें यूज़ करना है, तो वो देखना होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि इतना सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो ये हम नहीं कह सकते कि हर कुछ आपके लिए है, तो कहीं ना कहीं उसको आपको रीड करना पड़ेगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं, केमिकल्स कितनी कम हों। मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो पहले हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ऑब्वियसली हमें देखना है कि केमिकल फ्री हो उसमें, केमिकल्स ना हो, कम हो, तो ज़्यादा बेटर है हमारे हेयर के लिए, हमारे लिए, और कंपनी अच्छी हो और ISO सर्टिफाइड हो, तो जिससे हमें पता है कि हाँ गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है, तो ऑब्वियसली वो अच्छी होगी, तो हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाय डॉक्टर शिनू, मैं प्रिया सिसिलिया और मेरा आपसे ये सवाल है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस टाइम पे जब लेडीज़ के बाल बहुत झड़ते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? या डॉक्टर, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है। इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग, इससे कोई बच नहीं सकता। आफ्टर प्रेगनेंसी जो हेयर फॉल होता है लेडीज़ में, वो किस तरीके से रोका जा सके? आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर्स एज वेल एज न्यूट्रिशनिस्ट मोस्टली कैल्शियम, आयरन आपको डाइट में भी देते हैं, कई बार सप्लीमेंटेशन भी रिकमेंड करते हैं, तो वो प्लीज़ ज़रूर लें, उसको अवॉइड नहीं करें। और उसके बाद भी वाई लैक्टेटिंग और उसके कुछ समय बाद तक कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंटेशन, कई बार ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन और डाइट में ये सब चीज़ों का यूज़ करना, लेना और प्रोटीन का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें प्रॉपर लेते रहेंगे ना, तो हेयर फॉल आपके प्रेगनेंसी के बाद भी नहीं होगा। ये जनरल एक मिथ है कि उसके बाद आपका हेयर फॉल होता ही होता है। अगर आप हेल्दी हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो आपका हेयर फॉल जो जनरल होता है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ हेयर, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उस टाइम पे कई बार केयर भी कम कर पाते हैं क्योंकि आपका पूरा ध्यान बच्चे पे कहीं ना कहीं होता है, हार्मोनल चेंज हुए होते हैं, तो थोड़ा सा नींद भी डिस्टर्ब हो रही होती है, तो इस वजह से हेयर फॉल होता है। अगर न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इसके वजह से होता है। अदरवाइज़ अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, आपका नहीं होगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Hi, I'm Arushi. My question for Dr. Shinu is that बहुत early age में बाल grey होने लग जाते हैं, तो उसका क्या solution है आपके पास? Yeah, so early greying and मैं इसमें एक add on करना चाहूँगी, early baldness भी जो men's में भी आजकल बहुत ज़्यादा, इन दोनों के precautions और reasons क्या होते हैं? पहले early greying के बारे में बात करते हैं। Early greying again क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं है, हम प्रॉपर उससे न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं अपने बॉडी को, तो अर्ली ग्रेइंग आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, और दूसरी चीज़ है जो आपने बात की, गंजापन या एलोप्सिया होना, exactly. या बाल ज़्यादा झड़ना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से भी है। ओके, तो उसके वजह से अर्ली ग्रेइंग भी है और बाल्डनेस भी है या एलोप्सिया भी है, तो उन दोनों चीज़ों से हमें दूर रहना है। पहली चीज़ है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर लें तो आपको अर्ली ग्रेइंग नहीं हो, और दूसरी चीज़ है स्ट्रेस से जितना दूर रहेंगे उतना, और रह सकते हैं स्ट्रेस से हम दूर, तो उस प्रॉब्लम में भी नहीं जाएंगे। तो मतलब लाइक अच्छा खाना है और अच्छा सोचना है। अच्छा खाना है और अच्छा सोचना है। या ओके ओके, अब ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे डॉक्टर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे ऑडियंस आपसे पूछना चाहते हैं, और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो जैसा कि मैं पहले भी अपने एपिसोड्स में बोलती रही हूँ कि हमारे लास्ट सेगमेंट में स्क्रीन के नीचे सारी डिटेल्स दी होती हैं, तो आप भी आ सकते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डॉक्टर शिनू से पर्सनली मिल सकते हैं, बिकॉज शी इज़ दी योर पर्सनल डाइटिशियन एंड डॉक्टर। लेट्स सी। सो डॉक्टर, ये तो हमारे जनता जनार्दन के सवाल हो गए। एक सवाल मेरा भी है कि आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया फ्रीक हो चुकी है, नो डाउट, और सोशल मीडिया पे भी हमें बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो हेयर केयर के टिप्स देते रहते हैं, और इनफैक्ट मैगज़ीन में भी कुछ छोटे छोटे कॉलम्स आते हैं, चार चार पाँच पाँच पॉइंट्स रहते हैं, तो और अगर मैं अपनी बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे नया चीज़ पता चलती है तो हम उसको फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि अच्छा वो हीरोइन के बाल इतने अच्छे हैं, उसने ज़रूर ये यूज़ किया होगा, तो आई विल आल्सो यूज़ दैट। व्हाट डू यू थिंक, ये कितना फॉलो करना चाहिए? मैंने ये पहले भी शायद सोशल साइट पर डाला था कि आजकल हर कोई डाइट, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की बात कर रहा है, मेनली जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं। राइट, आर दे सर्टिफाइड टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? क्या उनको उसकी नॉलेज पर है जो उसके बारे में बात कर रहे हैं? आजकल हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई हेल्थ कोचेस बने हुए हैं, वी डोंट नो कि वो उस चीज़ की नॉलेज रखते हैं नहीं रखते हैं। ऐसी बात हम करते हैं वही सेलिब्रिटीज़ की कि वो अगर हेयर के बारे में आपको कुछ भी टिप्स दे रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने पर्सनल यूज़ से आपको कुछ भी टिप दे सकते हैं जो उनके टेक्सचर के, उनके लाइफस्टाइल के लिए उनको हेल्पफुल रही।
ठीक है, पर एग्जैक्टली वो कितनी हेल्पफुल हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए हेल्दी टिप्स हैं, या मे बी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ दिन के लिए किसी को फ़ायदा कर सकते हैं कि थोड़े दिन को किसी भी चीज़ में आपको चमक दिखे बालों में, ग्लो दिखे आपकी स्किन में, पर अदरवाइज आधे हेल्दी ये ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है, क्योंकि उनको उनका बेसिक नॉलेज नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं. तो हम एक जल्दी से ना डूज एंड डोंट्स का एक लिस्ट करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए भी, कि व्हाट शुड वी डू फॉर द हेल्दी हेयर एंड व्हाट वी शुड नॉट डू फॉर द हेल्दी हेयर. सबसे पहले तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन की बात करूंगी मैं, क्योंकि आई एम अ डाइटिशियन एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए. मैंने पहले भी कुछ आपको पॉइंट्स बताए कि बीट रूट है, आंवला है, गाजर है, और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये सब चीज़ें अदर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स हैं जो हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, तो वो सब चीज़ का कंजम्पशन हो तो आपके हेयर एंड स्किन दोनों हेल्दी रहेंगे. और सेकेंडली आपका वॉश जो होता है वो फीमेल्स, क्योंकि रेगुलर वॉश अगर नहीं करती हैं तो थ्राइस इट मिनिमम ट्वाइस अ वीक ज़रूर वॉश करें हेयर को, और कभी भी उसको रिजिडली नहीं वॉश करें, सॉफ्टली वॉश करें. जी है, रिजिडली कई बार हम बहुत ज़्यादा स्कल्प पे नेल्स का या इसका वो करते हैं, तो वो नहीं करें, सॉफ्टली मसाज देते हुए अपने हेयर को वॉश करें, और स्कैल्प विथ होल हेयर सभी वॉश करते हैं. और शैम्पू जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको डाइल्यूट करके यूज़ नहीं करना, ऑब्वियसली आप हैंड में लेके उसको वैसे डाइल्यूट करें, अदरवाइज जितना आपको, क्योंकि उस वो प्रॉपर यूज़ होना चाहिए आपके क्लीन करने के लिए आपके स्कैल्प एंड हेयर को. डायरेक्ट किसी भी वेदर में आप जा रहे हैं तो अपने हेयर को प्रोटेक्ट करके रखें, आप कैप लगाएं या स्कार्फ लगाएं, या अगर रेनी सीज़न है तो उसके अकॉर्डिंगली कोई ऐसी चीज़ पहने जिससे डायरेक्ट आपको रेन्स नहीं, बारिश के पानी से आपको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें. और ऑयलिंग प्रॉपर आपकी होनी ज़रूरी है. अगर कई लोग हैं आजकल केराटिन है और भी बहुत सी चीज़ें स्मूथिंग, जब हाँ ऑयल बंद कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपने वो ट्रीटमेंट अगर ले रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, अदरवाइज आपकी ऑयलिंग भी होनी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ज़रूरी है, वो करें. प्लस डायरेक्ट कभी भी जैसे हम बहुत ज़्यादा सलून्स में जाते हैं तो डायरेक्ट हेयर ड्रायर वगैरह का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करें, कम करें, और थोड़ा सा डिस्टेंस में करें, क्योंकि उससे हेयर के टेक्सचर ख़राब बहुत हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट जब हेयर को लगता है तो वो चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कॉम करें, आपके जो कॉम होते हैं वो जितने ब्रॉड होंगे उनके टीथ उतना अच्छा है, वो बेटर रहता है आपको. रात को ज़रूर कॉम करके सोएं आपके हेयर को, और ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप करें तो नो डाउट आपके हेयर हेल्दी रहेंगे हमेशा, और आप बहुत सुंदर लगने वाले हैं. एग्जैक्टली, और आप बहुत सुंदर लगेंगे. सो थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच. एंड जैसा कि आप सब लोगों ने सुना कि हेयर अगर आप अपने बालों को आप सुंदर रखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन बहुत अच्छा लेने की ज़रूरत है. तो अगर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं तो आप हर तरीके से हेल्दी रहने वाले हैं, आपके बाल भी हेल्दी रहने वाले, बहुत 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 सुंदर लगने वाले हैं. सो थैंक यू गाइज वॉचिंग आस, एंड थैंक यू सो much for sharing this much of information with us. Hum fir milenge aapke sath mein ek naye topic ke sath mein, ek naye din mein, naye josh ke sath mein. Thank you so much.